हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गो टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन हमने दी थी कि TCET सोशल साइंस मेल कैंडिडेट्स की, जिनका एग्ज़ाम 9 सितंबर को हुआ था, उनके आंसर की आ चुकी है। बट अब प्रश्न या कहीं सवाल ये उठता है कि आंसर की चेक कैसे की जाए और कोड का मैच कैसे करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन DSSSB ने नोटिस में डाली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट कोड 137/17 के लिए है ये। आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं DSSSB online.nic.in पर अपने रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करके, और जो आपका आंसर की का जो सीरीज है क्वेश्चन का, वो है आपके पास जो सीरीज मिला था वो मिला था A, B, C और D में, ठीक है। और जो DSSSB ने सीरीज़ को, जो आंसर्स को डाला है, वो सीरीज़ डाली है स्टार दिस वन ओ एंड ये साइन, ओके हैशटैग, तो ये साइन आपको मैच करनी है। जिनकी सीरीज़ ए थी उनके सामने स्टार वाली, जिनकी बी सीरीज़ थी उसका ये वाला साइन, और सी वाला ओ साइन पर। ओ साइन की जो आंसर की है, इट मींस आपका सी क्वेश्चन पेपर जो है वो सीरीज मैच करेगी, ठीक है। और जिसका हैशटैग है वो डी कोड वाले एग्ज़ाम से मैच करने वाले आंसर की होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना थी। कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस में डाउट था कि हम कैसे सीरीज़ को मैच करें, कौन सा आंसर की कौन से क्वेश्चन बुकलेट से मैच होगी, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर DSSSB ने नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप अपने चैलेंज कर सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। उसके लिए फ़ी भी लगेगी, वो आपको वहाँ पे ही जो आपको ई डोजियर मिलेगा वहाँ पर फ़ी बताई गई होगी, और वो फ़ी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। रिफ़ंड तब होगी जबकि आपका जो आंसर होगा वो सही मिलेगा, ठीक है। अगर चैलेंज आपका सही है तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं होगा, नॉट सक्सेसफुल है, तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। नेक्स्ट है ओनली चैलेंजेस फील्ड थ्रू ई चैलेंज मॉड्यूल, ठीक है। केवल ई चैलेंज मॉड्यूल द्वारा ही एक्सेप्टेड किए जाएंगे। अगर आप किसी अदर वे से इसको एंटरटेन करते हैं तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आंसर की को कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, 22 सितंबर तक, यानी कि 22 सितंबर तक इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ई चैलेंज मॉड्यूल के द्वारा ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और कोई आप ज़रिया नहीं अपना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है इसके कोड को कैसे मैच किया जाए। इसके बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही थी कि आपको जो एग्ज़ाम 9 सितंबर को हुआ था उसकी आंसर की DSSSB ने जारी कर दी है। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं, फिर चाहे वो CTET, KVS या DSSSB से रिलेटेड हो। सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी आपको हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस पर। All the best, guys.